आसनसोल के रविंद्र भवन में रविवार को आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी तथा आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से 11वां सिख वेलफेयर एंड एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MIC गुरुदास चटर्जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त HS पुलका, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील S जगजीत सिंह छाबड़ा सहित सिख समाज के तमाम विशिष्ट लोग उपस्थित थे। समारोह के दौरान डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि सिख समाज ने हमेशा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है, चाहे वह कोरोना काल हो या फिर अन्य कोई भी सामाजिक कार्य, हमेशा बढ़ चढ़कर समाज सेवा मूलक कार्य किए हैं और यही सिख समाज की सबसे बड़ी खासियत है। 11वां साल है, 11th सिख एजुकेशन एंड एक्सीलेंस अवार्ड्स। पर मैं ये बात हर साल बोलता हूं कि काश ये आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी 11 साल नहीं और आगे ये तैयार हो जाता, बन जाता, क्योंकि आसनसोल के जो लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनके लिए पूरा साल इन लोगों ने बहुत काम करते हैं, जो सोशल काम है, गरीबों की मदद करते हैं। कोविड का समय हम लोग देखा है किस तरह से आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों का काम किया है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से लेके, दवाई से लेके, खाना से लेके, सब कुछ लोगों को पहुंचाया गया है आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से। और इसके साथ साथ ठंडा पानी का जो मशीन, कपड़ा, कंबल, व्हील चेयर, इतने सारे चीज आज लोगों को, गरीबों को बीच में आसनसोल सिख वेलफेयर सोसाइटी ने वो मदद कर रहे हैं लोगों को। इस मौके पर वरिष्ठ वकील पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त HS फुलका ने कहा कि जब उनकी उम्र 28 से 29 वर्ष थी तब देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे। वर्ष 1983 के दिसंबर से ही वे इस केस को लड़ रहे हैं। सिर्फ सिख कौम के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी यह जानना जरूरी है कि देश कानून से चलता है और कानून सबसे ऊपर है। 34 वर्षों तक चली लड़ाई के बाद वर्ष 2018 में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मेरी उम्र 28 साल थी जब ये जैसे कतलेआम, जैसे कि जीनोसाइड हुआ, और तब दिसंबर 1984 से ही मैं ये केस करने लगा हूं और तभी से अब तक ये इन केसेस को कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ सिख कौम के लिए नहीं, सारे देश के लिए ये जरूरी है। द इशू इज नाउ कि क्या ये देश कानून के साथ चलता है, जहां जो लोग पावर में बैठे हैं उनकी रहमो करम पे चलता है। यही वो साबित करने के लिए हम ये लगे रहे कि कानून सबसे ऊपर है। और आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माइटी गॉड, वाहेगुरु का बहुत बहुत शुक्र करते हैं असि कि चाहे 34 साल की लड़ाई तो मगरों, 34 साल की लड़ाई तो मगरों 2018 में सज्जन कुमार, द मास्टर माइंड ऑफ दिस जिनोसाइड, द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उसको उम्र कैद की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने दी। बोले सोए सोनिहाल सरदार जसपाल सिंह, सोनिहाल ये पूरी फैमिली ही, इन्हों के प्रभजोत सिंह जी, इन्हों के होर भी बच्चे, सत श्री अकाल। बच्चा का भी सम्मान अस चालू कर रहे हैं, सब चाहते हैं, पता है हमेशा मेरे साथ है। रानी भैन जी तुम्हें भी सम्मान देना है, प्लीज तुम देना जाना नहीं। बाकी जेड़े आए हैं जिन्होंने उस सदा
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।